बिलासपुर शांति नगर में रहने वाले रिटायर्ड शिक्षक दंपत्ति लोकनाथ शास्त्री और उनकी पत्नी चंद्रकांता मध्य प्रदेश के सीधी से शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान पेंड्रा में कारियाम के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिससे पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। घायल ड्राइवर का इलाज जारी है। दुर्ग स्थित सैनिक कल्याण बोर्ड के सामने से कार चोरी करते हुए एक चोर रिटायर्ड फौजी की हत्या चढ़ गया। फौजी ने उसे पकड़कर मोहन नगर पुलिस के हवाले किया। पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि वह बाइक चोरी करने आ रहा था। रास्ते में उसका मन कार चोरी करने का हुआ तो वहीं रुक गया और कार चोरी करने लगा। वह कार खोलकर अंदर बैठा ही था कि कार मालिक ने उसे पकड़ लिया। जगदलपुर NH 30 में रविवार को हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक 13 वर्ष का एक बच्चा भी शामिल है। घटना की जानकारी लगते ही डायल 112 की टीम व बस्तर पुलिस भी मौके पर आ पहुंची। घटना के बाद से पुलिस वाहन की तलाश कर रही है। दंतेवाड़ा जिले में बरगुम के जंगल में पुलिस पार्टी के साथ हुई मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी मालांगेर एरिया कमेटी सदस्य मिलिशिया कमांडेंट इंचार्ज अर्जुन उर्फ लखमा सोडी मारा गया है। शव के पास से एक नग पिस्तौल, काले रंग का एक नग होलिस्टर, एक नग खाली खोखा, एक जोड़ी काले रंग की नक्सली वर्दी, लगभग 5 किलोग्राम वजनी टिफिन बम, इलेक्ट्रॉनिक वायर, नक्सल साहित्य एवं दैनिक उपयोगी सामान बरामद हुआ है। बिलासपुर रायपुर रोड में हाईकोर्ट के पास तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आकर बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार हाईकोर्ट का कर्मचारी बताया जा रहा है। हादसे के बाद ट्रेलर का चालक चलती गाड़ी से कूदकर भाग निकला, इससे ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया। राजधानी रायपुर से लगे अबनपुर के सातापारा के पास सड़क हादसा हो गया। महिंद्रा जीप और ब्रिजा कार में भिड़त हो गई। जीप सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूरजपुर जिले के थाना प्रतापपुर अंतर्गत ग्राम धर्मपुर में पत्नी ने विवाद में एक झापड़ मार दिया, जिससे अपमानित होने व आवेश में आकर पति ने फावड़ा से पत्नी की गर्दन में मारकर हत्या कर दी और रात होने पर घर के खेत में बाड़ी में शव ले जाकर जला दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त फावड़ा जब्त कर उसे विधिवत गिरफ्तार किया है। शादीशुदा महिला के खुदकुशी के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी को गेवरा नयापारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोबरा नवापारा का निवासी आरोपी ओम प्रकाश उप भूटानी साहू ने वार्ड की ही विवाहित चेमिन को अपने प्रेम जाल में फंसा कर भगा ले गया था, जिसके बाद उसका शारीरिक शोषण कर शादी से इनकार कर दिया, जिसके कारण महिला ने आत्महत्या कर ली थी। मरवाही मनेन्द्रगढ़ मुख्य मार्ग में कांग्रेस भवन के सामने मोटरसाइकिल में बैठी महिला सड़क में गिर गई। पीछे चल रहा भूसे से भरा ट्रक ने महिला को कुचल दिया। सिर के कुचला जाने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर थाना मरवाही में खड़ा कर दिया है। बीजापुर में नक्सलियों ने एक बार फिर कायराना करतूत को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने अनिल चिड़ियम नामक शिक्षक की धारदार हथियार से रविवार को हत्या कर दी। शिक्षक अनिल चिड़ियम पोटो केबिन कुटरू में पदस्थ थे। अंबिकापुर के मणिपुर पुलिस चौकी में पदस्थ पुलिसकर्मी का एक कारनामा सामने आया है, जहां वर्दी का ध्वज दिखाकर पुलिसकर्मी ने एक दुकान संचालक के साथ दुकान में घुसकर अभद्र व्यवहार किया, जिसकी शिकायत पीड़ित दुकान संचालक ने गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है। दुर्ग जिले की मोहन नगर थाना पुलिस ने महिला से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण कर फरार होने वाले आरोपी देवेंद्र कुमार मांझी को मध्य प्रदेश के अनूपपुर से गिरफ्तार किया है। गौ हत्या के 2 आरोपियों को सीतापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह पूरा मामला सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत
जजगा गांव के सेट्टापाला का है, जहां ग्रामीण ने पुलिस को सूचना दी कि दो व्यक्तियों के द्वारा बैल काटकर मांस बनाया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कवर्धा के कोतवाली पुलिस ने महिला की शिकायत पर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने वाले आरोपी के रहने के हर संभावित स्थान में दबिश देकर आरोपी सतकुमार पात्रे एवं उसके साथी रेशम लहरा को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर के पत्रकार सुनील नामदेव के फार्म हाउस पर रविवार को बुलडोजर चल गया। वीआईपी रोड में 20,000 वर्ग फुट में बने फार्म हाउस को तोड़े जाने को लेकर अब कई तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि इसे रूटीन कार्रवाई बताकर एनआरडीए ने फार्म हाउस के आसपास बने 5 मकान और गिरा दिए। कुछ मकान मालिकों को नोटिस भी जारी किया गया है। जांजगीर जिले के शक्ति थाना क्षेत्र में रविवार की शाम को यात्री बस और ट्रक में आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में 7 यात्री घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बस कोरबा से जांजगीर के चंद्रपुर जा रही थी, इसी दौरान यह हादसा हो गया। बस्तर पुलिस को नशीली सिरप की तस्करी पर कार्रवाई करने में सफलता मिली है। पुलिस ने धर्मपुरा चौक में स्कूटी सवार व्यक्ति की तलाशी लेकर डिक्की से 11,000 कीमत का 85 नग अवैध नशीला सिरप, जो प्रतिबंधित और नशीली दवा की श्रेणी में आता है, उसको जब्त किया है। रायगढ़ जिले की खरसिया टीआई सुमंत राम साहू के नेतृत्व में खरसिया पुलिस की टीम द्वारा ग्राम भद्रीपाली में अवैध महुआ शराब बनाए जाने की सूचना पर रेड कार्रवाई कर करीब 100 बोरी महुआ को नष्ट किया गया तथा मौके पर करीब 15 चूल्हों को जवानों द्वारा तोड़ा भी गया। लटेरी गांव में बनारस मार्ग स्थित रजवाड़े पंचर दुकान के बाहर रखे 11 नग पुराने टायर चोरी के मामले में लटेरी पुलिस ने राजपुर के 4 आरोपियों और चोरी का टायर खरीदने वाले अंबिकापुर के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर टायर समेत चोरी में प्रयुक्त पिकअप वाहन को भी जब्त कर लिया है। बिलासपुर में पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए दो ऑटो चालकों ने मिलकर एक दूसरे ऑटो चालक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों हमलावरों को गिरफ्तार किया है। जसपुर जिले के पंडरापाट पुलिस चौकी क्षेत्र की 14 साल की एक लड़की शादी समारोह में शामिल होने के लिए मोहल्ले में ही गई थी। वहीं से उसे 5 युवक उठाकर गवासी जंगल ले गए और दुष्कर्म कर मारपीट की। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजनांदगांव जिले की छुरिया पुलिस ने मवेशियों को कत्लखाना ले जा रहे एक मालवाहक वाहन को पकड़ा है। 20 मवेशियों से भरे मालवाहक को पुलिस ने घेराबंदी कर जब्त किया है। मालवाहक में बरामद मवेशियों की कीमत 1,20,000 रुपए बताई गई है। जगदलपुर शहर में रविवार को करीब 4 घंटे तक शहर में टैंकर से पानी की सप्लाई बाधित रही। बताया गया कि सभापति विक्रम सिंह डांगी ने किसी बात पर टैंकर चालक को फटकार लगा दी थी। इससे नाराज वाहन चालकों और ऑपरेटरों ने काम बंद कर दिया। महासमुंद जिले की आबकारी विभाग की टीम ने बसना थाना क्षेत्र के ग्राम सुरंगी पाली स्थित सुरगी नाला के पास से बड़ी मात्रा में अवैध शराब के साथ शराब बनाने की सामग्री जब्त कर मौके से करीब 10 क्विंटल महुआ लहान नष्ट किया है, जिसे 1,000 लीटर वाली 10 प्लास्टिक की टंकियों में भरकर रखा गया था। जसपुर जिले के कांसाबेल थाना क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर के खाते से 13.5 लाख रुपए उड़ाने के मामले में कांसाबेल पुलिस ने साथी ठग को उड़ीसा के केंदुझर से गिरफ्तार कर लिया है। राजस्व न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने और भ्रष्टाचारियों को राजस्व न्यायालयों से खदेड़ने की मुहिम में बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग के सैकड़ों अधिवक्ता को रायगढ़ में एकत्र हुए भ्रष्टाचार की खिलाफ रैली भी निकाली। धमतरी जिले की बिरेझर चौकी पुलिस ने ग्राम कोड़ापार खार पुल के पास
खेत में घेराबंदी कर 10 जुआरियों को रुपए पैसे की हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। उनके कब्जे से तथा फर से कुल 43,000 नकद और 52 पत्ती ताश बरामद किया गया। बिलासपुर के मोहतरी फ्लाई ओवर के ऊपर रतनपुर की ओर से आ रही अज्ञात माजदा के वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं युवक घायल हो गया, जिसे सिम्स में ले जाते वक्त उसकी भी मौत हो गई। कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम राहडी में पाली पुलिस ने छापा मारकर अवैध रूप से कोयला परिवहन कर रहे एक ट्रेलर एवं 2 ट्रैक्टर को जब्त करने की कार्रवाई की है। जब्त कोयला का वजन लगभग 35 टन है। कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल की पाली क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम नान पुलानी में पटेल नामक ग्रामीण के घर दबिश देकर बड़ी मात्रा में सागौन साल, खमार के चिरान, सिलपट सहित अन्य इमारती लकड़ियां बरामद की है, जिसकी कीमत हजारों रुपए में बताई जा रही है।